आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रोइड के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रोइड के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि कोई कंपोजिट प्लेन फिगर है, उसका सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी सेंट्रोइड ऑफ दी एरिया ऑब्टेंड आफ्टर रिमूविंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक क्वार्टर सर्कल है या क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, उसका सर्कल का 1/4 पार्ट है ना, जो कि क्वार्टर सर्कल कहलाता है, ये एरिया हमारे पास है। ठीक है, और इस तरीके से रखी हुई है। अब इस क्वार्टर सर्कल से हमने नीचे इस तरीके से सेमी सर्कल पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया गया या रिमूव कर दिया गया, तो ये सेमी सर्कल या हाफ सर्कल जो कट करके बाहर निकाला गया है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है या डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो कट करके रिमूव करने के बाद जो एरिया हमारे पास बच रहा है, जैसे कि आपको ये कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है, शेडेड एरिया है, इस एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निगेटिव एरिया है, दो एरिया है हमारे पास, एक क्वार्टर सर्कल है और दूसरा है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है? निगेटिव एरिया है जिसको कट करके हमने बाहर निकाल दिया है क्वार्टर सर्कल से। ठीक है, तो ये जो बचा हिस्सा है क्वार्टर सर्कल का, इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोजिट प्लेन फिगर है, ठीक है, दो प्लेन फिगर है, एक दो प्लेन है, एक सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, तो कंपोजिट प्लेन फिगर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब भी आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बेस को एक्स एक्सिस कंसीडर करना है, जो भी एरिया है, और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस, और इसी एक्स और वाई एक्सिस के रिफरेंस में सेंट्रॉइड एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पोजिशन हमें कैलकुलेट करना है। ओ इसका ओरिजिन पॉइंट है, एक्स वाई हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो हमें सेंट्रॉइड का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एरिया में ब्रेक करेंगे या एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। दो दो स्टैंडर्ड एरिया हमें मिलेगा, स्टैंडर्ड एरिया में ही ब्रेक करना है ताकि हम उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सके। तो पहला स्टैंडर्ड एरिया हमारे पास है क्वार्टर सर्कल या क्वाड्रेंट, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लेते हैं R1। वैसे ही एक दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड प्लेन फिगर होगा सेमी सर्कल, जिसका रेडियस R2 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों दिया हुआ है, तो इजीली हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट होगा, है ना, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का हाफ होगा, है ना। तो ये एरिया इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो एरिया हम लोग चार्ट बना के एरिया, फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो प्लेन हमने कंसीडर किया, एलिमेंट कंसीडर किया, इसका सेंट्रॉइड हमें पता होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्वार्टर सर्कल का जो सेंट्रॉइड है, उसके बेस और लेफ्ट एज से क्या होता है, 4R/3π के डिस्टेंस पे होता है, चाहे एक्स की बात करें या वाई की बात करें, दोनों ही वैल्यू क्वार्टर के लिए 4R/3π होता है, और सेमी सर्कल के लिए क्वाड्रेंट, ये जो सेमी सर्कल है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, इसका सेंट्रॉइड लेफ्ट, इसके लेफ्ट से बी डायमीटर के हाफ पे होगा, और इसका जो वाई एक्सिस है या वाई का जो वैल्यू होगा, ये बेस से 4R/3π के बराबर होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड प्लेन सरफेस है तो उसका सेंट्रॉइड का पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल इस तरीके से बना लेते हैं, फिगर एरिया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लेके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वार्टर सर्कल वाला एरिया। क्वार्टर सर्कल पहला एरिया है, तो इसका सेंट्रॉइड आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा। इसके बेस से 4r/3π और लेफ्ट एज से 4r/3π पे होगा। और इसका सेंट्रॉइड से हमने एक एक्सिस x1 y1 एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा रहा है क्वार्टर सर्कल के सेंट्रॉइड को, जिसको हम C1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये C1 है क्वार्टर सर्कल। तो ये जो C1 का डिस्टेंस है, हमने जो एक्सिस कंसिडर किया है एक्स से और वाई से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस X1 है वाई से C1 का डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस से C1 का डिस्टेंस Y1 है। तो ये X1 और Y1 ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस टेबल पे आप देखिए क्वार्टर सर्कल है। सबसे पहले तो हम क्वार्टर सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, A1 मान लेते हैं। ये देखिए एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो देखिए इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वार्टर सर्कल का एरिया हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई 20 का स्क्वायर अपॉन 4। फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये A1 का वैल्यू मिल जाएगा 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब C1 जो सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वाई एक्सिस से। तो ये देखिए ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ से ये 4r/3 और वाई से कितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस क्वार्टर सर्कल का लेफ्ट एज ही वाई एक्सिस है। ठीक है, तो X1 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 4r/3π। आर का वैल्यू क्या है, इसका रेडियस है R1, तो ये R1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो 4×20/3π करेंगे तो ये X1 की वैल्यू हमें मिलेगा 8.49 सेंटीमीटर। वैसे ही Y1 हमने जो एक्स एक्सिस कंसिडर किया है ना, वो क्वार्टर सर्कल के बेस से ही है, तो ये Y1 का जो वैल्यू है 4r/3π के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये Y1 हो जाएगा 4r/3π। R मतलब यहाँ पे R1 की बात हो रही है ना, तो 4×20×3π करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 8.49 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस क्वार्टर सर्कल के लिए एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस या उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस X1 Y1 दोनों बराबर होगा इस केस में। क्लियर है। अब दूसरे प्लेन जिस एलिमेंट का हम लोग देखते हैं उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा। ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड आप देख सकते हैं, ये X2 Y2 हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे होता है C2 मान लेते हैं, जो कि इसके बेस से 4r/3π इतने डिस्टेंस पे होगा, और ये इसके सेमी सर्कल के लेफ्ट एज से ये D/2 के बराबर होगा या इसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे होगा। अब ये तो पता है, लेकिन ये एक्स और वाई एक्सिस जो हमने कंसिडर किया है वहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा C2 का वैल्यू, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू कितना है, वाई एक्सिस से C2 का वैल्यू X2 डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस से C2 का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस Y2 है, जो X2 और Y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये टेबल में सेमी सर्कल हमने लिखा फिगर, इसका एरिया A2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेमी सर्कल है, सर्कल के एरिया का हाफ होगा, देखिए इस सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर 2 का स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सेमी सर्कल का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो पाई आर 2 का स्क्वायर अपन हाफ, आर 2 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, पाई 10 स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, तो ये सेमी सर्कल का एरिया में मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं X2 की वैल्यू। तो देखिए सेमी सर्कल का लेफ्ट एज ही वाई एक्सिस है इस फिगर में आप देखेंगे, तो ये D/2 के बराबर ही होगा। X2 का वैल्यू कितना होगा, D/2 के बराबर है, तो D/2 मतलब इस सेमी सर्कल के डायमीटर का हाफ, जो कि R2 के बराबर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो X2 का वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर मिलेगा। Y2 की बात करें तो ये डिस्टेंस Y2 है एक्स एक्सिस से इसका सेंट्रॉइड, तो ये भी 4r/3π के बराबर होगा, R का मतलब यहाँ पे R2 से है ना, R2 का वैल्यू पुटअप करेंगे तो 410/3π होगा, और ये वैल्यू हमें मिलेगा 4.24 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 4.24 सेंटीमीटर। क्लियर है।
तो ये टेबल आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपने एक्स वन वाई वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक्स टू वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो ईजिली सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी प्लेन फिगर आपको दो। क्लियर है? अब एक्स वन और वाई वन, एक्स टू वाई टू की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। आगे हम ये इंडिविजुअल जो प्लेन फिगर है उसके सेंट्रॉइड का पोजिशन है। हमें पूरे प्लेन फिगर या सेमी सर्कल को काटने के बाद जो प्लेन फिगर बच रहा है, जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, उसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट मेथड यूज़ करेंगे, और मोमेंट मेथड यूज़ करके एक्स सी और वाई सी जो कि ओवरऑल प्लेन फिगर का या कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉइड है, उसका लोकेशन हमें मिलेगा। तो एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपान ए वन माइनस ए टू। अब देखेंगे यहाँ पे ए टू एक्स टू, ए टू ये दोनों क्या है? माइनस में। तो ए टू क्या है? ये सेमी सर्कल जो एरिया टू है उसका एरिया है, ठीक है। तो ये कट करके हमने निकाल दिया है, तो ये निगेटिव एरिया, इसलिए फॉर्मूला में जब भी निगेटिव एरिया आ रहा है तो उसको माइनस में आपको लेना है, ठीक है। अगर वो कट करके हमने बाहर नहीं रिमूव नहीं किया है तो उसको प्लस लेना है। तो निगेटिव एरिया है यहाँ पे, इसलिए माइनस लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो एक्स सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 314.16 इंटू 8.49 माइनस 157.08 इंटू 10 अपान 314.16 माइनस 157.08। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। एक्स सी का मतलब ये है, ये जो रिमेनिंग प्लेन फिगर है, रिमेनिंग एरिया है, उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। क्लियर है? इसी तरीके से हम वाई सी या वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इक्वेशन यूज़ करना है, ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू अपान ए वन माइनस ए टू। निगेटिव एरिया है इसलिए माइनस लिया हुआ है। सभी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पे और इसको सॉल्व करिए तो वाई सी या वाई बार की वैल्यू हमें मिलेगा 12.74 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये वाई सी का वैल्यू, वाई सी मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से वाई सी डिस्टेंस पे, मतलब 12.74 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सेंट्रॉइड का पोजिशन फाइंड आउट कर लिया है। आप एक बार और देखिए, एक्स सी 6.98 सेंटीमीटर, वाई सी 12.74 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए हमने वाई एक्सिस से 6.98 सेंटीमीटर एक्स सी के बराबर डिस्टेंस पे एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया। उसी तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स डैश एक्सिस हमने ड्रॉ किया है जो कि 12.74 सेंटीमीटर वाई सी डिस्टेंस पे है, और दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे है, ये पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट प्लेन फिगर, या जो रिमेनिंग एरिया है कट करने के बाद इस है साइडेड एरिया का सेंट्रॉइड है वो। क्लियर है? सी, और यहाँ से जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है एक्स डैश और वाई डैश, ये क्या है? सेंट्रॉइडल एक्सिस है। सेंट्रॉइड पॉइंट से जो एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं वो सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाता है। तो एक्स डैश और वाई डैश क्या है? सेंट्रॉइडल एक्सिस। इस तरीके से पॉइंट सी का लोकेशन हम बता सकते हैं, ये जो एक्स और वाई एक्सिस हमने कंसिडर किया है इसके रिफरेंस में, इसका पोजिशन क्या हो जाएगा? सी 6.98, 12.74, ये इस सेंट्रॉइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोकेशन है। आई होप कि आज के प्रॉब्लम में जो नेगेटिव एरिया वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया एक कंपोजिट प्लेन फिगर का, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी तरीके का प्लेन या कंपोजिट प्लेन फिगर लेके उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इस लेक्चर में आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।